नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाली बस्तर की धरती एक बार फिर खूनी होली से रक्त रंजित हो गई। बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के नक्सली लीडर हिड़मा के गांव टेकलागुड़ा में नक्सलियों ने एम्बुश में फंसाकर फोर्स पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 23 जवान शहीद हुए हैं। इनमें DRG के 8, STF के 6, कोबरा बटालियन के 8 और बस्तर बटालियन का एक जवान शामिल है। मुठभेड़ में 30 से ज्यादा जवान घायल हैं। लापता जवानों को एयरफोर्स की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया है। बस्तर IG के मुताबिक इस मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए, जबकि 16 बड़े नक्सली लीडर घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ बीजापुर में यह ऑपरेशन चलाया था, जो नक्सलियों के सबसे बड़े पीपल्स लिबरेशन ग्रुप आर्मी प्लाटून 1 PLGA 1 में से एक हिड़मा के गढ़ में था। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले नक्सली उसी की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA टीम के सदस्य थे। काफी लंबे समय से गांव में नक्सलियों का जमावड़ा लग रहा था। इसकी सूचना पर बीजापुर के तर्रेम से 760, उसूर से 200, पामेड़ से 195, सुकमा के मिनपा से 483 और नरसापुरम से 420 जवान रवाना किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जवानों का यह सर्वोच्च बलिदान है, उनके इस शौर्य ने इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है। हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। इससे पहले भी बड़े माओवादी हमले होते रहे हैं। सुकमा 21 मार्च 2020 नक्सली हमले में DRG के 12 जवान सहित 17 सुरक्षाकर्मी बलिदान हो गए थे। श्यामगिरी 9 अप्रैल 2019 भीमा मंडावी और उनके 4 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। दुर्गपाल 24 अप्रैल 2017 दुर्गपाल में घात लगाकर बैठे नक्सलियों के हमले में CRPF के 25 जवान बलिदान हुए। दरभा 25 मई 2013 बस्तर के दरभा घाटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 30 लोग मारे गए। धोड़ाई 29 जून 2010 माओवादियों के हमले में पुलिस के 27 जवान बलिदान हो गए। दंतेवाड़ा 17 मई 2010 सुरक्षा बलों पर हमले में 12 विशेष पुलिस अधिकारी समेत 36 लोग मारे गए थे। ताड़मेटला 6 अप्रैल 2010 माओवादियों ने बारूदी सुरंग लगाकर 76 जवानों को मार डाला था। मदनवाड़ा 12 जुलाई 2009 29 पुलिसकर्मियों पर माओवादियों ने हमला बोला और उनकी हत्या कर दी। उरपलमेटा 9 जुलाई 2007 एर्राबोर के उरपलमेटा में माओवादियों के हमले में 23 पुलिसकर्मी बलिदान हो गए। रानी बोदली 15 मार्च 2007 हमले में पुलिस के 55 जवान बलिदान हो गए। नक्सलियों ने घात लगाकर हमारे सुरक्षा बलों पर हमला किया जिसमें 23 जवान बलिदान हो गए। पूरा देश बलिदानियों के शौर्य और पराक्रम के लिए उन्हें नमन कर रहा है, लेकिन कन्हैया कुमार जैसे लोग बलिदानियों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में इसी कन्हैया कुमार ने कहा था कि जिन आदिवासियों को नक्सली कहकर मारा जाता है वो निर्दोष और भोले भाले लोग हैं। ऐसे लोग कब तक बहाते रहेंगे घड़ियाली आंसू। गौतम नवलखा, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुंधति रॉय जैसे कथित बुद्धिजीवी इस घटना पर चुप क्यों? 76 CRPF जवानों की मौत का जश्न किसने मनाया था? शाहीन बाग और किसान आंदोलन के दौरान भीमा कोरेगांव में खून बहाने वाले नक्सलियों की रिहाई की मांग करने वाले कौन लोग हैं? हमें अपने देश की सेनाओं और वीर सैनिकों एवं उनके शौर्य पर गर्व है।